आइए देखा जाए किस तरह से जो है मैं आपको जो है आज मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रास पढ़ना है कि टेस्ट क्रास क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी अननोन जीनोटाइप को F1 रिसेसिव पेरेंट से क्रास करा देते हैं, F1 हाइब्रिड क्रास से क्रास करा देते हैं, तो उसका जीनोटाइप भी हम पता कर लेते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब F1 हाइब्रिड को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रास कराते हैं, ये आप चाहे यहां देख लें, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रास का मतलब ये हुआ कि F1 हाइब्रिड को F1 जो हाइब्रिड है इसका क्रास जब हम लोग रिसेसिव पेरेंट्स करा देते हैं तो इस क्रास को हम लोग टेस्ट क्रास कहते हैं। ये देखिए F1 हाइब्रिड का क्रास रिसेसिव पेरेंट्स करा देते हैं। अब आप यहां देखिए ये F1 हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगस स्टाल प्लांट, वो रिसेसिव पेरेंट है स्मॉल्टी स्मॉल्टी। तो अगर आपको इस क्रास को लिखना होगा तो F1 हाइब्रिड को हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हेटेरोजाइगस है और रिसेसिव पेरेंट ये है जो होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है। तो अगर आप इसका पुनेट का स्क्वायर मेथड बनाएं, जो आपको मैंने सिखाया हुआ है, अगर आप पुनेट का स्क्वायर मेथड बनाएं ऐसे, इस तरह से पुनेट का स्क्वायर मेथड बनाएं ऐसे, यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें हॉरिजेंटली मेल को और जो है फीमेल को वर्टिकली जो है एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप ऐसे बना दीजिए। ये देखिए ये पुनेट का स्क्वायर मेथड है, ये मेल को एक्सप्लेन करता है, ये फीमेल को एक्सप्लेन करता है। एक पेरेंट है ये और दूसरा पेरेंट है ये, क्योंकि हेटेरोजाइगस इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है तो इससे दो तरह के पेरेंट बनेंगे। पहला पेरेंट जो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट बनेंगे, सॉरी दो तरह के गैमेट बनेंगे और इससे गैमेट एक ही तरह के बनेंगे, क्योंकि ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है इसलिए एक तरह गैमेट बनेंगे, हेटेरोजाइगस से दो तरह गैमेट बनेंगे। अगर आप क्रॉस कराएंगे तो ये देखिए हेटेरोजाइगस स्टाल प्लांट, यहां देखिए इसका अगर आप इससे क्रॉस कराते हैं तो ये भी हेटेरोजाइगस स्टाल प्लांट, लेकिन अगर आप इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो ये देखिए होमोजाइगस ड्वार्फ है और ये भी होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो अगर आप जीनोटाइप देखते हैं तो अगर आप इसका मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर देते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो, अगर आप देखें फिनोटिपिक रेशियो क्या है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो, तो अगर मैं आपसे कहूँ ये कैसा प्लांट है, आप कहेंगे सर ये टाल है लेकिन हेटेरोजाइगस है, ये भी टाल कैसा है हेटेरोजाइगस है, ये ड्वार्फ है क्योंकि होमोजाइगस है और ये भी ड्वार्फ है जो होमोजाइगस है। तो अगर आप इन चारों जाइगोट को देखें तो कितने टाल और कितने ड्वार्फ है, आप कहेंगे सर इस पे दो टाल हैं, दो प्लांट टाल हैं हेटेरोजाइगस और दो प्लांट ड्वार्फ हैं होमोजाइगस। अगर इसका क्रास आप इसको ऐसे कैंसिल कर दें तो ये रेशियो 1:1 आता है। ये देखिए ये कैसा है मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रास फिनोटिपिक रेशियो है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया आपका, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तो। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये देखिए आप इसे बड़ा से लिखिए मोनोहाइब्रिड, पूरा लिख लें मोनोहाइब्रिड, ये देखिए टेस्ट क्रास मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रास जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रास जीनोटिपिक रेशियो। अगर आप इस रेशियो को देखते हैं तो इसमें देखिए टू कैपिटल टी स्मॉल टी है हेटेरोजाइगस है टाल प्लांट है और दो स्मॉल टी है। तो अगर आप इसका क्रास देखते हैं ये भी रेशियो 1:1 आता है। इसका मतलब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रास का जो रेशियो है वो चाहे जीनोटिपिक रेशियो हो चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो दोनों रेशियो 1:1 आता है, आपको ये बात याद रखनी है। क्योंकि ये होमोजाइगस है इसलिए इससे एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, ये हेटेरोजाइगस है इसलिए इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। और अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में बात आ जाएगी। मैंने ये पुनेट का स्क्वायर मेथड बना दिया है, ये पुनेट का कौन सा मेथड है, ये स्क्वायर मेथड है जिससे हम बड़े आसानी से प्रोजनी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, पुनेट का स्क्वायर मेथड है। ये देखिए इनका पूरा नाम क्या था, रिग्नॉल्ड्स मेथड पुनेट नाम था, इन्होंने ये मेथड बनाई थी जिससे हम लोग नई जनरेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन लेते हैं। आइए डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखते हैं। बेटा मैंने आपको बहुत पहले बात बताई थी कि मेंडल ने
मेंडल जो था उसकी सफलता का एक बड़ा बड़ा कारण ये था कि उसने एक बार में एक या दो ही करेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी की थी। तो जब एक करेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं हम लोग तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, और जब दो करेक्टर के या दो पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों को एक्सप्लेन किया है। डाईहाइब्रिड क्रॉस तब तो ना लिखी, उसने लिखा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, और अगर आप दो जीन्स की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे अगर आप देखिए तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये देखिए एनसीईआरटी कहती है इनहेरिटेंस ऑफ, ये देखिए इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जब हम दो जीन्स की स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक तो ये हो गया, या इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो ये देखिए इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स एट सेम टाइम्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स एट सेम टाइम। अगर आप दो करेक्टर की एक ही समय में स्टडी करते हैं उसके इनहेरिटेंस के बारे में तो उसे हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। या इसी बात को और भी कह सकते हैं, एक दूसरा तरीका है इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ये देखिए टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये तो चाहे आप दो पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की स्टडी करें, चाहे दो जीन्स की स्टडी करें, या दो करेक्टर की स्टडी करें, बात एक ही होती है, सबका मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। मेंडल ने इस बार क्या किया, मेंडल ने दो करेक्टर लिए। पहला जो करेक्टर लिया उसने सीट का शेप लिया, ये देखिए पहले उसने सीट का शेप, एक पहला करेक्टर लिया, ये देखिए ये सीट का शेप है। सीट का शेप दो तरह का है, ये देखिए एक सीट का शेप है जो राउंड है, राउंड मतलब वो सीट ऐसे दिखाई पड़ता है, दूसरा सीट है जो रिंकल्ड है, राउंड है और दूसरा है जो रिंकल्ड है। रिंकल्ड माने ये हुआ ये जो मटर का बीज है वो ऐसे है, और हम समझ रहे हैं जो गोल मटर होती है, जो सफल मटर होती है जो आप पनीर में डालते हैं वो लगभग राउंडेड होती है, और रिंकल्ड होती है जो छोटी साइज की होती है वो मटर अलग होती है। तो राउंड और रिंकल्ड दो उसने शेप देखे, इसमें जो राउंड है ये डोमिनेंट है, मतलब अगर राउंड, अगर आपने राउंड रिंकल्ड का क्रॉस कराया तो पाइफन जनरेशन में आपको राउंड दिखाई पड़ेगी लेकिन रिंकल्ड नहीं दिखाई पड़ेगी। मैंने बताया था कि रिसेसिव करेक्टर हमेशा एफ टू जनरेशन में दिखाई पड़ते हैं, तो एफ वन करेक्टर में आपको राउंड रिंकल्ड में कौन दिखाई पड़ेगा, राउंड में आपको राउंड रिंकल्ड में राउंड दिखाई पड़ेगा लेकिन रिंकल्ड नहीं दिखाई पड़ेगा। दूसरा उसने जो करेक्टर लिया वो शीट का कलर लिया, ये देखिए शीट का कलर लिया, तो शीट के कलर दो तरह के थे, एक कलर था जिसे उसने कहा कि भाई ये येलो कलर है, ये देखिए येलो कलर का है, और दूसरी जो कलर है वो ग्रीन कलर की है, मतलब मटर की जो पौधे हैं वो दो कलर के हैं। एक शीट का शेप है ये देखिए, मैंने येलो संयोग से मेरे पास ये मार्कर भी है तो मैंने येलो कर दिया, और दूसरा ग्रीन है, हरे कलर की है। तो आप चाहे यहाँ पर बनाते एक मटर का शेप बीज है जिसका कलर हरे कलर की मटर है, ये सफल वाली ग्रीन होती है या जो है येलो होती है या ग्रीन होती है, तो आप कहेंगे सर ग्रीन होती है, ये देखिए येलो इसमें क्या है, डोमिनेंट है येलो और ग्रीन जो है वो रिसेसिव करेक्टर है, ये देखिए रिसेसिव करेक्टर है। अगर इनके प्योर लाइन की बात की जाए, प्योर लाइन की बात की जाए तो ये देखिए इसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिंकल्ड को स्मॉल आर स्मॉल से आर से प्रकट करते हैं। मैंने बताया था डोमिनेंट करेक्टर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और रिसेसिव करेक्टर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, दिमाग में सेट करिएगा, डोमिनेंट करेक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, रिसेसिव करेक्टर को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसी तरह से अगर आप येलो को देखते हैं
इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वाई कैपिटल वाई से, और ग्रीन वाई को अगर रिप्रेजेंट करते हैं मतलब जो रिसेसिव है इसे स्मॉल वाई से जो है कलर करते हैं। तो आप देखिए जो शेप राउंड है वो येलो के साथ है, मतलब राउंड कलर की मटर है जो येलो कलर की है, राउंड शेप की मटर है जो येलो कलर की है, रिंकल्ड शेप की कलर है जो ग्रीन कलर की है, मतलब इसके साथ ये है और इसके साथ ये है। अगर हम इसे बोर्ड पे दिखाने का प्रयास करें, बोर्ड पे दिखाने का, अब आपके पास एक बात पहले देख ले, वहां लिखा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, तो सीड के शेप और सीड का कलर ये दो जीन्स हो गए। दूसरा लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ टू करेक्टर्स एट सेम टाइम, ये करेक्टर्स एक हो गए, आप चाहे तो लिख ले, ये करेक्टर्स है जिनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं करेक्टर्स। या तीसरी बात अगर आप देखें, लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, तो एक पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ये हो गया, एक पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ये हो गए। तो इस तरह से तीनों अपने आप में सही बातें हैं, मतलब आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो सबके मतलब एक ही है इसमें, चाहे राम कहे चाहे रहीम कहे चाहे कृष्ण कहे चाहे जो भी कहे, सत्य तो वही है कि कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, इन जीन्स को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम एनकेटी है। आइए देखा जाए, तो अब आप देखिए, अगर आप देखें तो यहां पर जो पेरेंट्स है उसने लिया क्या है, सबसे पहले आप समझें, उसने लिया है कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई, ये पहला पेरेंट है। तो पहला पेरेंट है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये पहला पेरेंट है। अगर आप इस पेरेंट को देखें तो यहां पर आर कैपिटल आर का मतलब क्या है, राउंड होमोजाइगस है, या आप अगर पूरा चाहे तो ऐसे लिख दे कि सर ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब प्योर है, होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस राउंड येलो, इसका मतलब ये जो मटर का सीड है ये राउंड कलर का, राउंड शेप का है और ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, ये पहला पेरेंट हो गया। ये देखिए राउंड होमोजाइगस राउंड येलो पेरेंट, ये राउंड येलो पेरेंट, चाहे आप इतना बड़ा लिखें या ना लिखें, कुछ ना लिखें, बस राउंड येलो लिख दें तब भी काम चल जाएगा। इसका क्रॉस उन्होंने दूसरे मटर के पौधे से किया, मटर के शीट से, ये देखिए स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो अगर आपने यहाँ पर होमोजाइगस लिख दें, क्योंकि होमोजाइगस इसलिए कह रहे हैं कि चारों एक ही कैपिटल लेटर में है, एक ही स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, ये सब होमोजाइगस है। तो अगर आप होमोजाइगस देख रहे हैं तो यहाँ पर राउंड का उल्टा क्या होगा, ये देखिए रिंकल्ड है, ये देखिए रिंकल्ड है, और छोटी वाई का मतलब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, छोटी वाई का मतलब ग्रीन है, ये मटर, ये मतलब मटर का पौधा ऐसे है, ये मटर के शीट ऐसे हैं, ये येलो कलर के हैं, राउंड भी है, और अगर आपका मन कह रहा है तो आप इसे लिख लीजिए कि सर ये येलो भी है, ये देखिए ऐसे येलो भी बना दीजिए, राउंड येलो है, लेकिन ये क्या है, अगर आपको इसको कलर करना है तो रिंकल्ड ग्रीन है, ऐसे फिगर बना दीजिए। इन दो मटर के पौधों को उसने क्रॉस कराया, इन दो मटर के पौधों को इसने क्रॉस कराया। अब आप ये देखिए, जब उसने क्रॉस कराया ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये ऐसे आप यहां लिख दीजिए कि सर ये पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट कौन सा है, फिगर भी मैंने बना दिया है, मटर का सीट राउंड कलर का है, शीट राउंड शेप का है, येलो कलर का है, और दूसरा जो है रिंकल्ड शेप का है, ग्रीन कलर का है। अब आप ये देखें कि इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो है, ये वो गैमेट्स ये बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, मियासिस होगी, इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये है इसके गैमेट्स, ये देखिए गैमेट्स, इस पेरेंट के ये गैमेट है, उस पेरेंट के ये गैमेट है। अब जब आप इनका क्रॉस कराएंगे मतलब पॉलिनेशन करा देंगे, आपने मान लीजिए यहां पर पॉलिनेशन करा दिया, तो पॉलिनेशन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये देखिए। तो अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो आप यहां देखें कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर कौन डोमिनेंट है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इस पर एक एलील देखना चाहते हैं, एलील देखना चाहते हैं तो आप इसे देख लीजिए इस तरह से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर में कौन डोमिनेंट है, यहाँ राउंड राउंड और रिंकल्ड जो है, राउंड और रिंकल्ड जो है, इन दोनों ने अगर देखा जाए तो राउंड डोमिनेंट है, ये देखिए राउंड डोमिनेंट है,
और येलो और ग्रीन में अगर देखा जाए, येलो और ग्रीन में, तो यहाँ पर येलो दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब जो F1 जनरेशन है वो राउंड येलो की है, ये देखिए राउंड येलो हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस राउंड येलो हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन है ये। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेरेंट इसमें दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कौन सा रूल यहाँ फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब अगर आप यहाँ देखिए तो ये डाई हाइब्रिड है, अगर ये डाई हाइब्रिड है तो डाई हाइब्रिड का मतलब ये हुआ यहाँ पर एन की वैल्यू 2 होगी। ये एन क्या शो कर रहा है? ये हाइब्रिड के बारे में शो कर रहा है। ये देखिए कैसे हाइब्रिड निकालते हैं, बहुत आसान है। सेम वेक्टर हो, एक स्मॉल लेटर एक कैपिटल लेटर में, तो वो एक हाइब्रिड है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर एक हाइब्रिड हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक हाइब्रिड हुआ, टोटल हाइब्रिड कितने हुए? 2 हुए। तो अगर कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह से है तो अगर आपको इसमें निकालना है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, तो इसका फार्मूला है क्या? 2 की पावर n। तो अगर आपको ये निकालना है तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पर फिनोटाइप 4 तरह के दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स निकाल रहे हैं कि यहाँ पर कितने तरह के, सॉरी शेप टाइप ऑफ गैमेट्स, नंबर नहीं टाइप ऑफ गैमेट्स, ये देखिए टाइप ऑफ गैमेट्स अगर आप देखें, टाइप ऑफ गैमेट्स देखें, यहाँ पर भी नंबर नहीं देखा जाएगा टाइप देखा जाएगा। टाइप ऑफ गैमेट्स अगर आप देखें तो इसका भी फार्मूला 2 की पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। इस तरह से देखें यहाँ पर इससे 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ जीरो टाइप निकालना है, नंबर ऑफ जीरो टाइप निकालना है तो नंबर ऑफ जीरो टाइप निकालने का फार्मूला है ये देखिए 3 की पावर n, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। इस तरह पे यहाँ पर जीरो टाइप आएगा 9 टाइप का। और अगर आपको नंबर ऑफ, ये भी टाइप ही होगा, मैं बार बार नंबर ले दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ जायगोट निकालना, ये सही लिखा है, ये नंबर ही होगा ना, जायगोट के नंबर देखने हैं, तो इसका फार्मूला है 4 की पावर n, तो 4 की पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर जायगोट जो होता है 16 टाइप। तो अब आपको इस क्रास में, डाइहाइब्रिड क्रास में जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो आपको इसमें फिनोटाइप दिखाई पड़ेंगे 4 तरह के, गैमेट्स दिखाई पड़ेंगे 4 तरह के, जीनोटाइप दिखाई पड़ेंगे 9 तरह के, जायगोट दिखाई पड़ेंगे 16 टाइप के। आइए इसका क्रास करके देखते हैं। बेटा डाइहाइब्रिड क्रास हम लोग देख रहे हैं मेंडल का, तो आप, मैंने आपको ये बताया था कि मेंडल ने क्या किया, इस पार 2 कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की। मैंने आपको ये बात पहले डिस्कस किया था, मेंडल ने इस पर इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर देखे, 2 कैरेक्टर्स देखे। अगर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 2 कैरेक्टर्स थे, इन दोनों कैरेक्टर्स में एक तो था सीट का कलर था, दूसरा सीट का शेप था। मतलब 2 उसने कैरेक्टर लिए, पहला कैरेक्टर जो उसने लिया वो सीट का शेप लिया, सीट का शेप 2 हो सकता है, एक राउंड या रिंकेड, और दूसरा होता है सीट का कलर। ये देखिए सीट का कलर, इसने 2 करेक्टर लिए और फिर क्रॉस करा दिए। तो अगर आप देखें तो सीट का कलर शेप जो है इधर राउंड है, ये डोमिनेंट करेक्टर है, और ये रिंकल्ड है जो रेसेसिव करेक्टर है। ये येलो करेक्टर है सीट का कलर, और ये ग्रीन है जिसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन जो है रेसेसिव है। मैंने आपको बताया था जो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं, जो डोमिनेंट करेक्टर होता है उसे कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, जो स्मॉल करेक्टर होता है उसे, जो रिसेसिव करेक्टर होता है उसे स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। क्योंकि 2 करेक्टर को क्रॉस करा रहे हैं, सीट के शेप को, सीट के कलर को, तो देखिए ये गैमेट्स हैं और ये हमारे पेरेंट्स हैं। ये देखिए ये पेरेंट्स हैं। तो अब आप ये देखें कि इससे ये गैमेट बने, इससे ये गैमेट बने, और ये हमारा पहला F1 हाइब्रिड आ गया। ये देखिए F1 हाइब्रिड आ गया। अब F1 हाइब्रिड देखें तो ये डाई हाइब्रिड है, इसमें n की वैल्यू 2 है। ये जो हाइब्रिड है यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, क्योंकि कैपिटल r स्मॉल r एक n वो हो गया, कैपिटल y स्मॉल y दूसरा n वो हो गया। तो अगर आप इससे देखें तो इससे टाइप ऑफ गैमेट कितने निकलेंगे, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि टाइप ऑफ गैमेट या फिनोटाइप निकालने का जो तरीका होता है, टाइप ऑफ गैमेट टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 2 की पावर n, n की वैल्यू 2 है इसलिए 2 की पावर 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर टाइप ऑफ जीरो टाइप देखते हैं,
अगर इस पे आप टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, आपने ऑलरेडी लिखा है यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में एन की वैल्यू 2 है, इसलिए टाइप ऑफ फिनोटाइप का फार्मूला होता है 3 की पावर n। आप 3 की पावर यहाँ करेंगे 2, 9 तरह के जीरो टाइप आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ जायगोट निकालना चाहते हैं इस टाई हाइब्रिड क्रॉस में, नंबर ऑफ जायगोट निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ जायगोट का फार्मूला 4 की पावर n है, 4 की पावर 2 करेंगे, इस तरह से 16 टाइप जो है जायगोट बनेंगे। अभी आपने कहा यहाँ पर गैमेट जो है वो बनेंगे 4 तरह के। इस वाला ये जो इमोनो हाइब्रिड क्रॉस है, जब आप इसकी सेल्फिंग करेंगे F2 जनरेशन के लिए, तो इसमें जो गैमेट बनेंगे वो 4 तरह के गैमेट बनेंगे सेल्फिंग करने पे। तो अगर हम एक मेल माने एक फीमेल माने, तो आप ऐसे सिंपल सा सोचिए, एक हमें यहाँ पर ऐसे खींचना पड़ेगा बड़ा सा चेकर बोर्ड, और इसमें हमें दिखाना पड़ेगा सबके नाम और कब क्या बन रहा है, इसका भी हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए आपने एक चेकर बोर्ड बनाया फट से बोर्ड पे, ये देखिए यहाँ पर आपने कहा कि भाई देखिए ये गैमेट का कॉलम है, ये ऐसे आपने कहा कि ये गैमेट का कॉलम है, ये ऐसे गैमेट का कॉलम है, इस गैमेट पे इधर मेल बनेगा इधर फीमेल बनेगा, 4 तरह के गैमेट बनेंगे, ये पहला कॉलम हो गया पहले गैमेट का, ये दूसरे कॉलम हो गया, ये देखिए आप तीसरा और चौथा कॉलम हो गया। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो इधर भी 4 कॉलम बनेंगे, ये पहला हो गया, ये देखिए ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। अब ये कॉलम हमने बना दिया, गैमेट कौन कौन से बनेंगे आप ये देखें। अगर आप गैमेट देख रहे हैं तो एक पेरेंट आप हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मान लेते हैं मेल हो गया, एक पेरेंट हो गया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गैमेट जो इससे बनेंगे 4 तरह के गैमेट बनेंगे, पहला जो गैमेट बनेगा उसका होगा नाम कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, तीसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी तरह से इधर भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे, अगर वो मेल है तो इधर फीमेल है, सेम गैमेट बनेंगे। आप लेते पहला गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमेट बनेगा आप देखें कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमेट मेल के हो गए, 4 फीमेल के हो गए। क्रॉस करा दीजिए अपने आप पता चल जाएगा कि स्थिति क्या बन रही है। अगर आप इसका क्रॉस कराते हैं दोस्त, तो ये देखिए पहला जो क्रॉस होगा वो होगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, हो मुझाई गैस। देखिए ये कैपिटल आर यहां से कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई ये कैपिटल आई, होमोचाइगस गैस येलो होगा ये। अगर आप चाहें तो इसका नाम लिख दे सर ये राउंड होगा, क्योंकि होमोचाइगस है और येलो होगा। ध्यान रखें ये होमोचाइगस येलो होगा, राउंड येलो। क्यों राउंड येलो होगा देखिए कैपिटल आर डोमिनेंट है, ऊपर देख लें आप। दूसरा देखें यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये हेटरोचाइगस राउंड येलो होगा, ये देखिए ये राउंड येलो होगा। फिर आप देखें कैपिटल आर ये ऐसे क्रॉस कराते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगर हम आपसे पूछे ये क्या होगा आप कहेंगे सर ये भी राउंड येलो ही होगा। ये देखिए इसका किनारे से क्रॉस कराते हैं, ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगर आप इसका क्रॉस देखें ये भी राउंड येलो ही होगा। तो देखिए इसमें एक होमोजाइगस राउंड येलो है जबकि 3 हेटरोजाइगस राउंड येलो है। अगर आप 3 को जीनोटाइप देखें तो अलग अलग है, आपको ध्यान ये भी रखना है कि इसका अगर आप जीनोटाइप निकालते हैं तो आपको जीनोटाइप 9 टाइप के जीनोटाइप यहाँ दिखाई पड़ने चाहिए, तभी ये क्रॉस सही होगा नहीं गलत हो जाएगा। ये देखें दूसरा क्रॉस कराइए यहाँ से इसका, ये कैपिटल आर है स्मॉल आर है कैपिटल वाई कैपिटल वाई है, नाम लिखिए क्या होगा, या फट से आप लिखें सर ये भी राउंड येलो होगा, चिंता ना करें लिखते जाए अपने आप पता चल जाएगा। फिर यहाँ देखें स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अब रुक जाए आप पिन चेंज कर दें, लिखे कि ये क्या बनेगा। अगर आप देखें स्मॉल आर है तो ये स्मॉल आर स्मॉल के कारण ये रिंकल्ड हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा शेप इसका रिंकल्ड होगा, कैपिटल वाई है तो रिंकल के साथ ये येलो हो जाएगा। ये देखिए
यही होगा ना भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है। फिर अगला आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये कैपिटल आर है, यहाँ से स्मॉल आर होगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी राउंड येलो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर, देखें आप इस क्रॉस को अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ से तो ये स्मॉल आर हो गया, इधर भी आर है उधर भी आर है, और यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। तो स्मॉल आर अगर है तो बताइए क्या बनेगा, ये रिंकल्ड बनेगा, स्मॉल आर है दोनों तो ये रिंकल्ड बनेगा, और कैपिटल वाई है तो ये येलो बनेगा। ये देखिए, तो अगर आप देखें तो रिंकल्ड येलो दो आ गए, यही हुआ ना भाई, बोलो हाँ। और क्रॉस करा लें आप, यहाँ देखें ये कैपिटल आर हो गया, इधर से ऊपर से कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप बोले सर ये राउंड येलो हो गया, सही राउंड येलो हो गया। दूसरा अगला क्रॉस देखें, यहां से इस तरह से कैपिटल आर है स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये भी राउंड येलो हो गया। ये देखिए अगला क्रॉस देखिए आप, अगला क्रॉस डिफरेंट है, आप देखें कैपिटल आर तो है लेकिन यहां वहां से स्मॉल वाई है, तो अगर कैपिटल आर है तो क्या होगा, बोलो राउंड होगा, क्या होगा ये राउंड होगा। स्मॉल वाई है तो क्या होगा, बोलिए ग्रीन होगा, एक यहां पर राउंड के साथ ग्रीन आ गया। जी देखिए ऐसा एक और क्रॉस देख लें आप, यहां पर भी कैपिटल आर है स्मॉल आर है लेकिन स्मॉल वाई है, तो अगर आप इसका नाम देखें क्या होगा, ये हो जाएगा राउंड के साथ ग्रीन, मतलब ये राउंड कलर का शीट शेप है और कलर ग्रीन है इसका। देखिए डिफरेंट आ रहे हैं क्रॉस जो करेक्टर्स है। अगला देखें आप यहाँ पे, अगर आप यहां देखते हैं तो ये करेक्टर क्रॉस हो रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और अगर आप इसका नाम देखें तो वही होगा जिसका आपको इंतजार है, ये हो जाएगा राउंड येलो। ये देखिए फिर अगला देखें आप, यहां से ये स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो स्मॉल अगर आर है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड हो जाएगा, बोलिए हाँ सर ये रिंकल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर ये कैपिटल वाई है तो रिंकल्ड के साथ येलो हो जाएगा। ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ रहा है, पेरेंटल से अलग कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये देखें अगला अगर आप देखें यहां से क्रॉस कराते हैं, यहां पर कैपिटल आर ऊपर है, यहां स्मॉल आर है, लेकिन यहां पर क्या है कैपिटल स्मॉल वाई है, तो राउंड के साथ क्या आएगा, अगर आप देखें तो राउंड के साथ स्मॉल वाई है तो क्या आएगा ग्रीन आएगा, राउंड के साथ क्या आएगा ग्रीन आएगा। लास्ट कॉम्बिनेशन देखें, एकदम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सेम कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन है जिसे हम लोग रिंकल्ड ग्रीन कह रहे हैं। ये देखें ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है। अब आप काउंट कर लें, अगर यहां पर आप F2 डाई हाइब्रिड फीनोटिपिक रेशियो देखें, F2 डाई हाइब्रिड फीनोटिपिक रेशियो देखें तो क्या स्थिति है, यहाँ पे देखें F2 डाई हाइब्रिड फीनोटिपिक रेशियो में अगर आप देख रहे हैं तो ये रेशियो कैसा है, ये भी आपको समझना है। सबसे पहले आप देखें ये जो राउंड येलो है, ये पहला कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल है, मतलब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग राउंड येलो कह रहे हैं। ये राउंड येलो 9 टोटल जाइगोट्स में 9 है, 9 upon 16, मतलब 16 जाइगोट में 9 जाइगोट हैं जो राउंड येलो हैं, और आप काउंट कर लीजिए देखिए वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है राउंड येलो आते हैं, ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है इस राउंड के साथ, ये नया कॉम्बिनेशन है, इसमें लिख दिए देता हूं कि एक कंडीशन ऐसे भी है कि राउंड के साथ होना तो चाहिए येलो को, लेकिन ऐसा भी कॉम्बिनेशन आएगा जो राउंड के साथ ग्रीन होगा, ये नया कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने पिन बदल दी है। तीसरा कॉम्बिनेशन है कि रिंकल के साथ पहले क्या है देखिए ग्रीन है, लेकिन नया कॉम्बिनेशन जो है रिंकल के साथ येलो भी आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन हम लोग ढूंढेंगे कहां पे कौन सा है। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक जो लास्ट में था
वो था क्या, रिंकल्ड ग्रीन का, ये देखें रिंकल्ड ग्रीन का। तो अगर आप रिंकल्ड ग्रीन देखें तो ये रिंकल्ड ग्रीन जो है टोटल जो है वन है। कहां पे है रिंकल्ड ग्रीन, ये है अगर आप लास्ट वाले देखें। तो अगर आप देखें तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बात कर ले, जो पेरेंट में है, एक पेरेंट है राउंड येलो जो एफ टू जनरेशन में नौ है, एक पेरेंट है रिंकल ग्रीन जो एफ टू जनरेशन में है एक, टोटल जायगोट है 16। तो अब बचे हुए नए कॉम्बिनेशन क्या है, नए कॉम्बिनेशन क्या है देखें, इस राउंड के साथ जो ग्रीन आया है, तो राउंड के साथ कहां कहां पे ग्रीन है अगर आप देखें तो एक राउंड के साथ ये ग्रीन है, यहां पे देखिए एक राउंड के साथ ये ग्रीन है, एक राउंड के साथ ये ग्रीन है और एक राउंड के साथ ये ग्रीन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो राउंड के साथ ग्रीन टोटल हो गए 3। अब आप देखें रिंकल के साथ येलो कहां कहां पे है, तो रिंकल के साथ येलो कहां पे है, ये एक ही कॉम्बिनेशन, एक रिंकल के साथ येलो यहां पे है, एक रिंकल के साथ येलो यहां पे है और एक रिंकल के साथ येलो यहां पे है। ये देखिए ये तीन कॉम्बिनेशन है जो रिंकल येलो है, ये नए कॉम्बिनेशन है। इस तरह से आप देखें तो रेशियो आ गया F2 डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो 16 जायगोट में 9 जायगोट राउंड येलो है पेरेंटल, एक पेरेंटल रिंकल ग्रीन है। तो इसका मतलब 16 जायगोट में 10 जायगोट है जो पेरेंटल है, 10 6 जो नए कॉम्बिनेशन आए वो कॉम्बिनेशन आए कि राउंड के साथ जनरली येलो होता है लेकिन यहाँ पर राउंड के साथ ग्रीन आया, और रिंकल के साथ जनरली ग्रीन होता है लेकिन रिंकल के साथ यहाँ पर येलो आया। इस तरह से आप देखें 16 में 9 जायगोट राउंड येलो है, 16 में 3 जायगोट राउंड ग्रीन है, 16 में 3 जायगोट रिंकल्ड येलो है और 16 में 3 एक जायगोट है जो रिंकल्ड ग्रीन है। इस तरह से अगर आप इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें तो ये आता है 9:3:1, ये कॉम्बिनेशन आता है फिनोटाइप का। तो फिनोटिपिक रेशियो आपने कहा निकाला, पहले ये देख लीजिए, ये देखिए गैमेट कितने बनते हैं, 4 तरह के, फिनोटाइप कितने बने, 4 तरह के। 4 तरह के कौन कौन से हैं, पेरेंटल है राउंड येलो रिंकल ग्रीन, लेकिन राउंड येलो के साथ रिंकल ग्रीन, राउंड ग्रीन के साथ, राउंड के साथ नया ग्रीन आया, नया कॉम्बिनेशन है, ये दोनों नए कॉम्बिनेशन है, ये देखिए न्यू कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसे है, न्यू कॉम्बिनेशन है, जबकि ये दोनों पुराने ओल्ड कॉम्बिनेशन है। इस तरह से 9:3:1 आया। अगर आप दोनों करेक्टर का कंपेरिजन करें तो एक्चुअली ये 9:3:1 ना होके ये जो है 3:1 ही है। कैसे, अगर आप राउंड देखें तो इस पूरे 9:3:3 में राउंड कहां कहां पे है, अगर आप देखें राउंड यहां पर है, राउंड यहां पर है। अगर आप शेप देखें, शेप का अगर आप डिफरेंस देखें तो टोटल एफ टू जनरेशन में अगर राउंड देखा जाए तो राउंड अगर आप देख ले तो टोटल कितना है, 9 राउंड यहाँ पे है और 3 राउंड यहाँ पर है, तो राउंड कितना हो गया 9+3। यहाँ पर देखें राउंड का उल्टा क्या होगा, शेप में रिंकल्ड होगा, और अगर आप राउंड रिंकल्ड का देखें, रिंकल्ड कहाँ पे है ध्यान से देखिए, 3 रिंकल्ड यहाँ पर और एक रिंकल्ड यहाँ पर है, इस तरह से हो गया 3+1, तो टोटल ये हो गया 4 और ये टोटल हो गया 12। इस तरह से अगर आप इनका कॉम्बिनेशन देखें तो क्या आएगा, 12:4, 12 क्या है राउंड, 4 क्या है रिंकल्ड, रेशियो क्या आ गया 3:1। इसका मतलब शेप में रेशियो वही है, 3:1 वाला ही रेशियो है, अगर आप समझ पाए तो शेप में वही रेशियो है, 3:1 वाला ही रेशियो है। अब इसी को अगर आप देखें शेप बजाय, अगर आप दूसरा देखें, एक और इसका जो कलर है यहां पर देखें, राउंड हो गया, ये राउंड के साथ हो गया। अगर आप इसके कलर की बात कर ले तो कलर दो थे, अगर आपको याद हो तो एक कलर है जिसे हम लोग येलो कह रहे हैं, येलो है, और दूसरा जो है ग्रीन है। तो अगर आप इस 16 जायगोट में येलो ढूंढे, येलो कहां कहां पे है, तो 9 येलो यहां पे है, ये लिख दीजिए, और कहीं पर येलो है, ये येलो है, 9 3 है, लिख दिया आपने 9+3=12, मतलब 16 जायगोट में 12 जायगोट है जो येलो कलर के हैं, 12 जायगोट जो है येलो कलर के हैं। और अगर आप ग्रीन की बात करते हैं तो 3 ग्रीन यहां पर है, एक ग्रीन यहां पर है, तो आप लिखेंगे 3+1=4। अगर आप देखें तो राउंड येलो ग्रीन का रेशियो आएगा 3:1। एक्चुअली एफ टू जनरेशन में जो आप 9:3:1 देख रहे हैं, ये दो जीन का आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप एक जीन का देखेंगे तो एक जीन का कॉम्बिनेशन वही आएगा, कौन सा, 3:1 ही आता है। तो ये एफ टू जनरेशन का क्रास है, मेंडल ने ये क्रास कराया, और इससे उन्होंने ये पता किया कि जब आप दो करेक्टर का क्रास कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि राउंड येलो के ऊपर डिपेंड है,
या रिंकल्ड ग्रीन के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक जीन का करेक्टर या एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसे हम लोगों ने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब हुआ कि जब हम दो पेयर का क्रॉस कराते हैं तो एक पेयर करेक्टर, एक पेयर का जो करेक्टर है वो दूसरे करेक्टर पेयर के करेक्टर पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंड है। अगर अच्छा डिपेंड होता क्या था? डिपेंड होता तो केवल दो कॉम्बिनेशन आता, राउंड येलो के साथ डिपेंड होता था हमेशा राउंड येलो आता, रिंकल्ड ग्रीन के साथ आता तब भी रिंकल्ड ग्रीन जो इशू आता। लेकिन ये दो नए कॉम्बिनेशन आके ये बता रहे हैं कि ये राउंड येलो के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये रिंकल्ड ग्रीन के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब हमने आपको फिनोटाइप तो बता दिया, अब हमें इसका निकालना है जीनोटाइप, और हमें जीनोटाइप चाहिए कितने तरह के? नौ तरह के जीनोटाइप चाहिए, नाइन टाइप जीनोटाइप चाहिए। और इसमें जब आप निकालेंगे तो नाइन टाइप जीनोटाइप पूरे पूरे निकल के आ जाएंगे। जैसे देखिए नाइन टाइप के जीनोटाइप कहाँ पे होंगे? 16 तरह के जायगोट हैं, 9 तरह के आपको जीनोटाइप निकालने हैं। तो आइए हम आपको जीनोटाइप निकाल के दिखाते हैं कि जीनोटाइप कौन कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि F2 डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो जो F2 जनरेशन का था, F2 जनरेशन का जो रेशियो आया, यहाँ पर आप देखें F2 जनरेशन का जो रेशियो आया, F2 जो रेशियो आया वो आया 9:3:1। इसमें 9 और 1 जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जबकि जो 3:3:1 है वो न्यू कॉम्बिनेशन है। मतलब आप कह सकते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशन इसमें दो आए, एक राउंड रिंकल के साथ ग्रीन और दूसरा रिंकल के साथ एक आया येलो और दूसरा आया राउंड के साथ ग्रीन, ये दोनों कॉम्बिनेशन आए। तो मेंडल ने इसके आधार पर जो रूल दिया वो दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले हम इस रूल का डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो रूल आया है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से आया है, ये देखिए ये यूनिवर्सल रूल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये नया रूल आया। ये रूल कैसे आया आप एक बार समझ लें, फिर से मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो 9 है वो पेरेंटल है कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि सर ये राउंड येलो है, ये देखिए राउंड के साथ येलो है। 1 जो है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है जो रिंकल्ड के साथ ग्रीन है। तो फिर आखिर दोनों कॉम्बिनेशन कौन से आए? जो दोनों कॉम्बिनेशन आए ये देखिए, एक तो ये आया राउंड के साथ येलो आना चाहिए लेकिन राउंड के साथ ग्रीन आ गया, ये एक नया कॉम्बिनेशन आया। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन आया कि रिंकल के साथ येलो आ गया, ये दो नए कॉम्बिनेशन आए, ये देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखे, ये यूनिवर्सल रूल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये एक ऐसा रूल है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से आया। और इस रूल को हम लोग यूनिवर्सल रूल कह रहे हैं, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से आता है यूनिवर्सल रूल है। अगर आप देखें तो लिख रहा है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे इस रूल के? देखिए when two characters are present in hybrid, दो करेक्टर हैं जो हाइब्रिड में पड़े हैं, तो जब दो हाइब्रिड करेक्टर हाइब्रिड पड़े हैं तो उसे हम डाई हाइब्रिड भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए सिर्फ देन when two pair of characters are present in a hybrid, then segregation of one pair of character is independent to other। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक किसी हाइब्रिड में दो पेयर करेक्टर के हैं तो उसमें से एक पेयर जो है दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते समय डिपेंड नहीं है। अच्छा अगर डिपेंड होता तो क्या होता? डिपेंड होता तो केवल दो कॉम्बिनेशन आते, एक कॉम्बिनेशन राउंड येलो को आता
और एक कॉम्बिनेशन रिंकल्ड ग्रीन का आता जो पेरेंटल था, या फिर जनरेशन में केवल दो कॉम्बिनेशन आते हैं। लेकिन ये जो तो नए कॉम्बिनेशन आए, राउंड के साथ ग्रीन आया, रिंकल्ड के साथ येलो आया, ये प्रूफ करते हैं कि एक करेक्टर जो है दूसरे करेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है, और इसका मेन काज जो है वो क्या है, मियोसिस है। तो ये इन्होंने एनसीईआरटी में एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, और मेरी इच्छा है कि आप इसे सीख जाएं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन है बहुत, मैंने एनसीईआरटी की लाइनें ही लिखी हैं। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसे आप सीखें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायरेक्ट क्लास का एक जो है डायहेब्रल क्लास से एक रिजल्ट निकाला मेंडल ने और उसे एक्सप्लेन किया। इसका मेजर काज क्या है, इसका मेजर काज मियोसिस है। मियोसिस पे एनाफेज फर्स्ट में जब गैमेट्स सेग्रीगेट होते हैं तो उस समय करेक्टर्स जो है नए कॉम्बिनेशन लेके आते हैं। अगर आपसे कोई काज खास पूछे तो इसका काज क्या है, मियोसिस का क्रॉसिंग ओवर है, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके कारण जो है राउंड येलो के ऊपर डिपेंड नहीं है, रिंकल ग्रीन के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसी कारण से दो नए कॉम्बिनेशन आए, राउंड के साथ ग्रीन दिखाई पड़ा और रिंकल के साथ येलो दिखाई पड़ा, ये मतलब हुआ इसका। अब आपको एक काम करना है, यही पर एक बात और सीखनी है, आपको सीखना है डाई हाइब्रिड, ये देखिए टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। अब आपको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस सीखना है कि भाई डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है। टेस्ट क्रॉस इसे कहते हैं, मैंने बताया था कि जब F1 हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट्स करा देते हैं या अननोन जीनोटाइप्स करा देते हैं, तब भी इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो अब आप यहां पर देखें, यहां पर F1 हाइब्रिड कौन है, अगर आप यहां देखें तो F1 हाइब्रिड जो है यहां पर देखें ये है ये। तो अगर आप देखें तो F1 हाइब्रिड पूरा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। रेसेसिव पेरेंट की बात करें तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई है। आप ये बताइए इससे कितने तरह के गैमेट बनते हैं, बोलिए भाई ये डाई हाइब्रिड है, इनकी वैल्यू 2 है, ये हेटेरोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस है, ये इसका रिसेसिव पेरेंट है, और ये क्या है, F1 हाइब्रिड है। तो अगर आप इसे गैमेट देख रहे हैं तो इससे गैमेट केवल एक बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बनेगा। लेकिन अगर आप इससे देख रहे हैं तो इससे गैमेट बनेंगे 4 तरह के, कौन कौन से 4 तरह के बनेंगे, क्योंकि ये डाइब्रिड हाइब्रिड है इसलिए इससे गैमेट बनेंगे 4 तरह के, चारों तरह के गैमेट्स का आप चाहे नाम लिख लें। पहला गैमेट बनेगा जो कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, दूसरा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, तीसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा गैमेट होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह के गैमेट बनेंगे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से, डाई हाइब्रिड पेरेंट से, जबकि ये मोनो हाइब्रिड से एक तरह गैमेट बनेंगे। क्रॉस करा दीजिए, ये अगर आप इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, आप यहां लिख दीजिए, ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या बनेगा बेटा बोलो। सर ये बनेगा राउंड येलो, मुझे तो यही लग रहा है राउंड येलो बनेगा। अगर आपने इससे क्रॉस करा दिया तो देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या बनेगा बोलो, रिंकल्ड बोलो बेटा येलो, होमोजाइगस या हेटरोजाइगस, बोलिए हेटरोजाइगस कंडीशन। इसका इससे क्रॉस करा के देखिए क्या बनेगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, बोलिए क्या बनेगा राउंड, बोलो यहां स्मॉल वाई है क्या बनेगा, राउंड के साथ क्या बनेगा ग्रीन। और यहां पर आप देखें इससे क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, आप बोलो सर ये बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। तो आप देखिए यहां पर भी 4 तरह के कॉम्बिनेशन आए, और चारों का जो रेशियो है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, देखिए ये टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1:1:1, चारों अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इसमें राउंड येलो है, ये रिंकल्ड ग्रीन है पेरेंटल, और ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये टाई हाइब्रिड है, यहाँ पर एन वैल्यू, एन की वैल्यू 2 है, तो गैमेट 4 तरह के बनेंगे, ये पेरेंट है, ये मोनो हाइब्रिड है, सॉरी ये होम जाएगा से, इससे एक ही तरह के गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इस तरह से देखें आप 4 तरह के प्रोजनी आएंगी
जिसमें आपको ये राउंड येलो दिखाई पड़ेगा, रिंकल ग्रीन दिखाई पड़ेगा, राउंड ग्रीन दिखाई पड़ेगा, रिंकल ग्रीन दिखाई पड़ेगा, और इसका एफ टू जनरेशन में जो रिजल्ट आएगा, ये सॉरी डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 आएगा। इस तरह से मेंडल ने डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो प्रूव करके ये प्रूव किया कि जब किसी हाइब्रिड प्लांट में दो करेक्टर्स हैं तो उनमें एक करेक्टर ट्रांसफर होते समय दूसरे करेक्टर पर डिपेंड नहीं होता है। इस तरह से मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करके दो जीन के इनहेरिटेंस देख के, दो पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के इनहेरिटेंस देख के ये प्रूफ किया कि अगर किसी हाइब्रिड में दो पेयर ऑफ करेक्टर हैं तो उसमें से एक पेयर करेक्टर ट्रांसफर होते समय, मतलब इनहेरिटेंस के समय, दूसरे पेयर ऑफ करेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अगर वो डिपेंड होता तो कॉम्बिनेशन कितना आता, केवल दो आता, वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन आता, राउंड के साथ येलो आता, रिंकल के साथ ग्रीन आता। लेकिन जो नए दो कॉम्बिनेशन आए कि राउंड के साथ ग्रीन आया, रिंकल के साथ येलो आया, ये दो नए कॉम्बिनेशन ये प्रूव करते हैं कि जब किसी हाइब्रिड में दो करेक्टर हैं तो ट्रांसफर होते समय एक करेक्टर दूसरे करेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इस तरह से मेंडल ने बड़ी ही केयरफुली अपने मेंडेलियन रूल्स को एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को उसने प्रूव किया। इसमें जो यूनिवर्सल रूल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये बात आपको सीखनी है। और इसका एक मेन कारण क्या है, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर।